हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम अपनी बाइक को जो है मॉडिफाई करेंगे काफ़ी सस्ते दाम में। सो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे KTM स्टाइल जो है LED इंडिकेटर्स, और साथ ही में यहाँ पे जो पार्किंग लाइट बल्ब है ये मैं लगा रहा हूँ। ये मल्टी कलर है, ये मतलब स्टोव में भी चलते हैं, तो इनको मैं जो है अपनी बाइक में फिट करूँगा। चलिए गाइस, सबसे पहले अनबॉक्सिंग दिखा रहा था मैं आपको। ये जो है आप देख सकते हो एल्ट्रन टर्बो के जो है ये T10 सॉकेट वाले पार्किंग लाइट बल्ब है, जो कि मल्टी कलर में है और साथ में इसमें जो है स्टोव भी चलता है। तो इसको मैं जो है आपको चला के दिखाता हूँ। सो 12 वोल्ट की इसको सप्लाई देता हूं मैं, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से चलते हैं। इसमें जो है गाइस आपको मल्टी कलर मतलब तीनों कलर आपको जो है देखने को मिल जाएंगे, रेड ग्रीन और ब्लू, और साथ में ये जो है स्टॉप के साथ जो है चलते हैं। तो इनको गाइस मैं फिट करूंगा अपनी बाइक का जो स्पीडोमीटर है उसके अंदर। तभी जो है ये KTM स्टाइल इंडिकेटर है। सो ये जो है 4 पीसेस का सेट है, मतलब 4 पीसेस का ये सेट है। सो आप देख सकते हो गाइस क्वालिटी वाइज जो है मेरे को ये काफी जो है अच्छे लगे, काफी सारे में आपको जो है मिल जाएंगे ये KTM स्टाइल इंडिकेटर। सो अमेजोन पे काफी जो है ये मतलब तरह के मिल जाते हैं, लेकिन क्वालिटी मतलब इसकी जो है ये बेटर मेरे को लगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो वायर है, ये वायर की क्वालिटी भी जो है काफ़ी अच्छी है। नहीं तो क्या होता है कि काफ़ी जो KTM स्टाइल इंडिकेटर होते हैं उनकी जो वायर की क्वालिटी है वो इतनी बेटर नहीं रहती, और वायर की लेंथ भी काफ़ी छोटी रहती है। सो इस केस में आपको जो है कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। सो आप देख सकते हो ये फ्लेक्सीबल इंडिकेटर होते हैं, तो इसका जो है टूटने का भी कोई भी जो है दिक्कत नहीं है। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, और प्राइस रेंज के हिसाब से भी ये मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। तो चलिए गाइस अभी जो इंस्टॉल करते हैं इसको जो अपनी बाइक में। तो क्या सबसे पहले मैं जो है स्पीडोमीटर के अंदर जो है पार्किंग लाइट बल्ब को जो है इंस्टॉल करूंगा। तो सबसे पहले आपको जो है स्पीडोमीटर को खोल लेना है, और यहाँ पे जो है ये स्क्रू को खोल के यहाँ पे आपको जो है ये जो मीटर को लाइट देते हैं ये बल्ब को आपको कुछ इस तरह से इन दोनों को निकाल लेना है। और यहाँ पर जो है ये जो कंपनी लगा के देती है ये हेलोजन बल्ब होते हैं, इनको निकाल लेना है। और यहाँ पर आपको जो है दोनों साइड LED लगा देना है, और कैसे आप देख सकते हो कि आपको जो है इसको पावर दे के रखना है ताकि आपको जो है पता चल जाए, क्योंकि LED होती है तो एक साइड ये चलेंगे दूसरी साइड ये नहीं चलेंगे। सो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो दोनों चल रहे हैं, तो इन दोनों को जो है अंदर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। अभी इसी तरह से गैस मैं जो है KTM स्टाइल इंडिकेटर को भी जो है यहाँ पे फिट कर लेता हूँ। सो फिटिंग काफ़ी इजी है, तो ये जो है ऐसे ही फिट हो जाएंगे। और इसका जो प्लस माइनस आपको देखना पड़ेगा, मतलब जो नेगेटिव और पॉजिटिव वो आपको देखना पड़ेगा। और इसके लिए जो है कोई भी आप जो है अलग तरह का कोई फ्लैशर जो है यूज़ कर सकते हो। जो कंपनी का फ्लैशर होता है उसमें जिसमें रिले वाला सिस्टम होता है, कॉयल वाला सिस्टम होता है, उसके साथ LED नहीं चलता है। तो ये आप जो है मार्केट से जो 50-60 रुपए वाला कोई भी फ्लैशर ले सकते हो, तो उसके साथ जो है ये KTM स्टाइल इंडिकेटर चल जाते हैं। सो आप देख सकते हो गाइस ये मैंने जो है KTM स्टाइल इंडिकेटर को मैंने जो है फिट कर दिया है, और स्पीडोमीटर के अंदर भी मैंने जो है ये बल्ब को फिट कर दिया है। तो चलिए गाइस अभी मैं आपको इसके कुछ शॉट्स दिखा देता हूँ। सो गाइस आप इसकी ब्राइटनेस देख सकते हो काफ़ी ब्राइट है, मतलब कुछ इंडिकेटर होते हैं जो दिन में नहीं दिखते हैं, आप देख सकते हो दिन में भी इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छी है, दिन में भी इसकी जो विजिबिलिटी एकदम क्लियर दिख रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्पीडोमीटर कुछ इस तरह से हमारा चल रहा है, और अभी थोड़ा अंधेरा करके भी मैं आपको जो है इसको चला के दिखाता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो ये रात के टाइम में कुछ इस तरह से ब्लिंक करने वाले हैं, और गाइस काफ़ी जो है खूबसूरत लुक देते हैं ये मीटर को। गाइस अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट को जो है परचेज करना चाहते हो, तो लिंक इन दोनों का जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहां से जाकर आप इनको जो है परचेज कर सकते हो। सो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।